तेजस्वी यादव ने 26 मार्च को किया बिहार बंद का ऐलान, कहा हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसे लेकर आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तेजस्वी यादव ने 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष चेतावनी दे डाली, जिसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों ले लिया। प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी ने नीतीश पर शर्म और नैतिक बेचने का आरोप भी लगाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि सरकार कभी भी पलट सकती है, इसलिए सबको ये देखना चाहिए। उन्होंने 26 मार्च को बिहार बंद के ऐलान के साथ ये भी कहा है कि वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस ने आरजेडी के बिहार बंद को अपना समर्थन दिया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसका फुटेज उनके पास मौजूद है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि लोकतंत्र में इस तरह से सत्ता नहीं चलती है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पर भी कई सवाल उठाए तेजस्वी ने अपनी प्रेस वार्ता में। बिहार में विधायकों को पीटा गया और महिलाओं का चीरहरण भी हुआ है, जिसकी मुख्यमंत्री ने निंदा नहीं की। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाया गया और उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में विधायकों को पीटने का काम किया गया, महिला विधायकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। नई दिल्ली से परवीन श्री, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के लिए।